नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर, जहां पर अंदर आरजेडी विधायकों की बैठक जो है अब शुरू होने वाली है। विधायकों के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हुए सुरक्षा कर्मियों की आज झड़प हो गई सचिवालय थानाध्यक्ष से। आखिर क्यों हुआ यह माजरा, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तू तू मैं हो रही है। आपको बता दें, राबड़ी देवी के आवास के बाहर रोज़ सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ते हैं, और ख़ास करके अगर हम आज की बात करें तो आज जब आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है तो विधायकों के समर्थक भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे में थानाध्यक्ष का कहना है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं उनके साथ आप कड़ा व्यवहार कीजिए, और जो समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें यहाँ से भगाइए। भला राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी उनके समर्थकों को क्यों भगाएंगे, उनकी भी नौकरी का सवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहस हो रही है, क्या कुछ इस वीडियो में चल रहा है, ज़रा आप खुद सुनिए और समझिए क्या थानाध्यक्ष जो कह रहे हैं, सचिवालय थानाध्यक्ष, क्या वो सही है। नहीं, आप बहुत ज्यादा मत बोलिए। हम आपको बता रहे हैं, आपसे पूछे ना, आपसे हम पूछे ना, जो है वो यहाँ रहे, ठीक है। लोग आएंगे, लोग आएंगे। सर आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे थे। तो कहाँ हम बोले, सुनिए पहले आप पहले आप तरीके से चंगड़ी फाड़ दो, ये सबको झूठे मत कहिए, सबको झूठे मत कहिए। तो अपने वीडियो को देखा है, देखने वाली बात यह है कि अंदर एक तरफ जहां विधायकों की बैठक चल रही है, तमाम विधायकों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है, किसान के मुद्दे पर हो या फिर कह सकें बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर हो। कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो झड़प हुई है सुरक्षा कर्मियों के बीच में, ताकि यहाँ लोग ना आ सकें, कितने हद तक ये बात सही है तो खैर आप समझ सकते होंगे। क्या ये अक्सर होता है, हमने भी जब पूछना चाहा कई सुरक्षा कर्मियों से, हमने जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की, उन्होंने कहा कि ये मामला अक्सर निकल के आता है क्योंकि यहाँ पर कई समर्थक अक्सर जुट जाते हैं। और बात अगर करें 10 सर्कुलर रोड की तो पॉश इलाका है, VIP एरिया है, यहाँ पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हर रोज़ अपने समर्थकों से मिलते हैं। तो ऐसे में जो समर्थक यहाँ आते हैं उन्हें भगाया नहीं जा सकता है, उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनकी जाँच की जाती है और तब उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन ऐसे में सचिवालय थानाध्यक्ष का कहना कि इन सभी को भगा दो और अभद्र भाषा का कहीं ना कहीं प्रयोग करना, ये सरासर गलत है। आप क्या विचार करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।